वेन एवर आई डिसाइड टू डू समथिंग इन अ गुड वे तो ये सर्वाइकल आ जाता है. सर्वाइकल इज़ फॉर मी लाइक अ बैरियर फॉर माई करियर फॉर माई लाइफ फॉर माई फैमिली. सो So hey everyone, welcome and welcome back to my new vlog. I hope you all are doing good. बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार. तो आज कमर कस ली है मैंने फिर से, जो मैं हमेशा कमर कस के रखती हूँ. और आज कुछ हैट्रिक डे है, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा. बोला तो यहाँ मम्मी लगा रही है घर का ताला, बिकॉज हमें जाना है घर से बाहर कहीं, तो लॉक करके निकलते हैं घर से बाहर. अब क्या हुआ बेटा? लगा हूँ. आओ कम. वैसे जिंदगी ने तो बहुत ही घुमाया यार, ऐसा नहीं है, हर किसी को जिंदगी घुमाती है. पर कहते हैं ना, जब जिंदगी नचा रही हो तो नाच लेना चाहिए, जब जिंदगी बजा रही हो तो नाच लेना चाहिए. तो ऐसे एक ढोल सा बज रहा है मेरी लाइफ में पिछले 6 मंथ से, बिकॉज ऑफ सर्वाइकल मैं बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही हूँ. बिकॉज पहले तो थोड़ा बहुत था, बट अब तो इतना ज़्यादा पहुँच गया है ना, मतलब क्या बताऊँ. ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सर्वाइकल के लिए मैं पेन किलर्स नहीं खाती हूँ. समटाइम्स तो दिन में दो दो तीन तीन पेन किलर्स हो जाते हैं और सो भी नहीं पाती हूँ ठीक से, ना ही कुछ काम कर पाती हूँ ढंग से, अपने कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ. और सबसे बड़ी जो बाधा है इस सर्वाइकल से मेरी लाइफ में, वो है मेरी स्टडीज को इफेक्ट कर रहा है. मतलब जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना कुछ अच्छा करने का, वेन एवर आई डिसाइड टू डू समथिंग इन अ गुड वे, तो ये सर्वाइकल आ जाता है मुझे स्टॉप करने के लिए. दिस सर्वाइकल इज फॉर मी लाइक अ बैरियर फॉर माई करियर फॉर माई लाइफ फॉर माई फैमिली. सो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ये मुझे, बट आई नो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो दैट सर्वाइकल कांट ब्रेक मी. बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, ही ट्राई टू ब्रेक मी इन अ प्रॉपर वे, बट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एज आई सेड, तो मैं ब्रेक नहीं होंगी. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो दिस, बिकॉज इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं लाइफ में, लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो इट्स ओके, सर्वाइकल को भी मैं वेट कर दूंगी, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये भी चला जाएगा, इससे भी रिकवर हो जाऊंगी. तो बस सर्वाइकल की वजह से थोड़ा परेशान हूँ. सबसे बड़ी बात की बताया कि स्टडीज को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है. मतलब मेरे LLM के सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स गोइंग ऑन हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि बैठना, सर्वाइकल, दोज पीपल हु हैव सर्वाइकल दे कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग, दे कैन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन. नॉर्मल इंसानों को तो समझ नहीं आएगा, बट जिनको है दे कैन अंडरस्टैंड वट पेन आई फील इन एवरी डे. सो वो लोग समझ सकते हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं इसके साथ. तो आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक पेन हर वक्त आपके साथ चलता है, उठते बैठते सोते. आप अपने जो डेली के काम होते हैं ना, आप उनको करने के लिए भी परेशान हो जाते हो व्हेन यू हैव एक्सट्रीम लेवल का सर्वाइकल. और सबसे बड़ी बात, जब वो आपके हैंड को हैंड में ट्रांसफ़र हो जाए, तो वही मेरे साथ हो रहा है. काफ़ी डॉक्टर्स को विजिट कर लिया, थेरेपीज करा ली, सब चीज़ करा रही हूँ, बट इसमें ज़्यादा कुछ आराम नहीं लग रहा है मुझे. तो यहाँ पे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे, ब्लड से रिलेटेड काफ़ी टेस्ट हुए थे, तो थोड़ा सा आयरन और हीमोग्लोबिन थोड़ा मेरे को कम आया था. वैसे हीमोग्लोबिन तो हमेशा ही मेरा थोड़ा अप एंड डाउन रहता है, तो डॉक्टर ने बोला थोड़ा आयरन के भी आयरन का करा लेते हैं, थोड़ा आयरन चढ़वा लो, थोड़ा सा आयरन के इंजेक्शन ले लो, मे बी इससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए आपको पेन में, थोड़े मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसे बोला उन्होंने. दे सेड ऐसा, आई डोंट नो, ट्राई तो बहुत कुछ करा है बहुत बार. तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगर आराम मिल जाए तो ये भी सही, आयरन के इंजेक्शन भी ले लेंगे. बट आयरन का इंजेक्शन का क्या होता है ना, आप उसको ऐसे नहीं ले सकते, वो ग्लूकोज के थ्रू आपके अंदर जाता है, बहुत स्लोली देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आयरन का इंजेक्शन. तो इसके लिए मुझे हाफ डे के लिए एडमिट रहना पड़ा आयरन के इंजेक्शन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज के साथ वो दिया है. तो यहाँ बस आयरन का इंजेक्शन मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, शाम हो गई थी यहाँ, और मैं बस यही सोच रही थी कि ज़िंदगी में इतने सारे टास्क हमेशा आते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है, बट ये टास्क ही कहूँगी मैं इनको, ये टास्क ही है लाइफ में. कभी आपको सर्वाइकल बन के आपके आगे आ जाता है, तो कभी डिप्रेशन बन के आपके आगे आ जाता है, तो कभी किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो कभी किसी की हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये आता रहता है. शायद ये चेक करने के लिए आता है कि आप
स्ट्रांग है या नहीं है आई थिंक। और जब भी आपके साथ कुछ भी तरह का हादसा होता है ना, छोटा बड़ा अच्छा बुरा कैसा भी जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, आपको ये स्ट्रांग बना के जाते हैं, आपको कुछ सीख दे जाते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़ से आप कुछ सीखते हैं, हर चीज़ नया सीखते हैं, हर दिन नया सीखते हैं। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि भाई इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, चलो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, इसके पीछे कोई कारण होगा, शायद ये मुझे और स्ट्रांग बना के जाए। क्योंकि इससे पहले भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई हैं और चली गई, और मैं उनसे भी नहीं हार माना, तो मैं इससे भी हार नहीं मानूंगी। आई एम वेरी स्ट्रांग। सो फाइनली मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ घर, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, आँखें भी ऐसे हो रही हैं जैसे पता नहीं कब से नहीं सोई, ऐसे फील आ रहा है। बहुत हैवी था, पूरे हाथ में पेन हो रहा है, पूरे हाथ में इतना टॉप, बहुत ज़्यादा हैवी था वो इंजेक्शन, उसे चढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और आयरन का था तो आयरन बहुत ज़्यादा हैवी होती है। तो चलो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद, घर जाके सोऊंगी थोड़ी देर के लिए, सर में भी दर्द कर दिया इसने तो, उसे हैवी हैवी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसे बोला था ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। बाय।